हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि जो वाटर का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उसमें हमने कुछ स्टेप्स इंक्लूड करे थे, जैसे कि स्क्रीनिंग है, एरेशन है और सेडिमेंटेशन है। अब हम इस ट्रीटमेंट में, इस लेक्चर में, कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, अभी तक आपने वाटर ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने स्क्रीनिंग पढ़ा, उसके बाद आपने एरेशन टॉपिक पढ़ा, स्क्रीनिंग, फिर आपने एरेशन कवर किया। इसके बाद एरेशन में जो ऑक्सीजन वगैरह का यूज़ करके आप जो भी गैसेस हैं उनको रिमूव कर देते हैं, स्क्रीन में जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद इन दोनों से भी अगर कोई पार्टिकल्स रिमूव नहीं होते तो उनको आप सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, दैट इज़ कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। मतलब क्या है कि जो पार्टिकल साइज है वो इतना छोटा है कि फाइनली वो सेडिमेंटेशन से भी रिमूव नहीं हो पा रहा है, तब आप कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन करते हैं। इफ़िशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ वेरी लो, यानी सेडिमेंटेशन की इफ़िशियंसी बहुत कम है। इफ़ वाटर कंसिस्ट ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल, बहुत ज़्यादा फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल कंसिस्ट कर रहा है वाटर, तो वो नॉर्मल सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं होगा, तब आप कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन करेंगे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन, तो उस केस में सेडिमेंटेशन की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए आप कोगुलेशन फ्लॉकुलेशन अडॉप्ट करते हैं प्रोसेस प्रायर टू सेडिमेंटेशन। अब डायरेक्टली आप सेडिमेंटेशन नहीं करेंगे, सेडिमेंटेशन से पहले कोगुलेशन और फ्लॉकुलेशन कर देंगे, विच इज़ जनरली कैरीड आउट इन 3 स्टेजेस, जो जनरली 3 स्टेज में कैरी होता है। जैसे कि सबसे पहले आप कोगुलेशन करते हैं, जो कि फास्ट मिक्सिंग प्रोसेस होता है। इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है वाटर पार्टिकल्स में, तो उनको जो है आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं फास्ट मिक्सिंग से। उसके बाद उन सारे पार्टिकल्स को आपस में कांटेक्ट में ले आते हैं, जिससे कि फ्लॉक्स बन जाए, फ्लॉकुलेशन हो जाए। ये एक स्लो मिक्सिंग प्रोसेस होता है जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना छोटे पार्टिकल्स को। फिर उसके बाद जब बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसको सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? तो पहला टर्म आता है कोगुलेशन होता क्या है। ये वो प्रोसेस है जिसमें कुछ केमिकल्स आप ऐसे डाल देते हैं जिनको आप कोगुलेंट्स कहते हैं। तो कोगुलेंट्स आप वाटर में ऐड कर देते हैं इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव प्रोटेक्टेड चार्ज ओवर दीज पार्टिकल्स, यानी उन पार्टिकल्स पर जो भी नेगेटिव चार्ज है वो कोगुलेंट्स उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी अपने पॉजिटिव चार्ज से उन पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज से रिएक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो एज़ टू इंक्रीज देयर अपॉर्चुनिटी टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और अपने साइज में बड़े हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं एंड गेट फाइनली सेटल्ड इन फॉलोइंग सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब वो फाइनली सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सेटल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में अगर आप बात करें तो एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी, जिसको आप थ्रेशओल्ड एनर्जी कहते हैं, ये रिक्वायर्ड होती है टू ओवरकम दी नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय इंड्यूसिंग फास्ट मिक्सिंग इन वाटर। यानी कि फाइनली क्या है कि ये सपोज इसमें टैंक में ये वाटर फिल है, ठीक है, जिसमें जो भी पार्टिकल्स हैं उन सब के ऊपर क्या है, नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज है। और ये वाटर है सपोज, यहाँ लेवल है, इसमें आपने क्या किया, कोगुलेंट ऐड कर दिया, यानी कोगुलेंट जो भी केमिकल्स थे वो ऐड कर दिए और फास्ट मिक्सिंग कर दी, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा कि जब आपने कोगुलेंट्स ऐड करे तो ये नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज के साथ ये न्यूट्रलाइज हो गए, यानी कोई एक्स जो है कोगुलेंट था उनसे रिएक्ट करके फाइनली क्या हो गए, ये न्यूट्रलाइज हो गए, जिसकी वजह से ये आपस में कॉन्टेक्ट में भी आ सकते हैं और सेडिमेंटेशन इनका ईजिली हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के कोगुलेंट हैं जो कि वाटर के ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं। तो पहला जो कोगुलेंट आता है उसको कहते हैं एलम, Al2SO4 होल थ्राइस.18H2O, जिसको आप हिंदी में हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं। क्लियर है? जो सेंटेंस है उसको आप हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। तो फाइनली ये क्या करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस.18H2O, ठीक है, इसने क्या किया, जो वाटर में प्रेजेंट एल्केलिनिटी है, एल्केलिनिटी क्या होता है, जो भी बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और कॉस्टिक एल्केलिनिटी होती है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये एक एल्केलिनिटी है, यानी ये वाटर में प्रेजेंट एल्केलिनिटी से रिएक्ट कर लेता है और फाइनली
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक स्टिकी जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बना देता है, यानी स्टिकी जिलेटिनस जो चिपचिपा प्रेसिपिटेट होता है वो बन जाता है, साथ ही साथ इसमें कैल्शियम सल्फेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मोल हो गए और 3 मोल हो गए कैल्शियम सल्फेट के। ठीक है, प्लस 18H2O वाटर जो है एक्स्ट्रा ऐड होता है, प्लस 18H2O बच गया। तो आपने देखा कि ये क्या था, फाइनली आपका एलम था, इसने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्केलिनिटी से रिएक्ट करा और फाइनली जो है इट्स, इसको आप लिख सकते हैं एल्केलिनिटी या आप कह सकते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक प्रेसिपिटेट बना दिया और साथ ही साथ कैल्शियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में अलग हो गया। क्लियर है? तो आपने देखा कि जो कैल्शियम सल्फेट है ये क्या है, ये आपने देखा है कि ये परमानेंट हार्डनेस है, जो आप पढ़ चुके हैं। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, सल्फेट एल्यूमिनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और एल्यूमिनेट की वजह से होती है। तो कैल्शियम सल्फेट एक परमानेंट हार्डनेस है और दूसरा ये क्या है आपकी एसिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है एसिडिटी इंड्यूस करती है एंड कोरोजन। ठीक है, तो आपने देखा कि जो एलम है जब उसने वाटर में प्रेजेंट एल्केलिनिटी से रिएक्ट किया तो एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का स्टिकी जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनाया, साथ ही साथ उसने परमानेंट हार्डनेस को इंड्यूस किया वाटर में और साथ ही साथ उसने एसिडिटी को भी इंक्रीज किया। क्लियर है? तो ये जो है प्रॉब्लम्स इसने क्रिएट कर दी, परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करता है, एसिडिटी एंड कोरोजन को क्रिएट करता है। तो अगर आप बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट की, यानी इसका एलम की अगर आप बात करें, टोटल वेट इसका निकालेंगे तो 666 ग्राम आएगा। वही अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका देखते हैं 3 मोल्स है तो इसका जो है ओवरऑल 486 ग्राम वेट आता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो वेट है टोटल वो 156 ग्राम है। तो आप ये कह सकते हैं कि 666 ग्राम एलम रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करता है, 486 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी 3 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि और 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एल्केलिनिटी, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके, तो आप बता सकते हैं कि 486 ग्राम जो है ऑफ 3 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट इक्वल होता है 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एल्केलिनिटी के। तो ये फॉर्म करता है टू फॉर्म 156 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल जो है फॉर्म करता है 156 ग्राम के। तो अगर आप इनको 666 ग्राम से डिवाइड कर दें तो आप ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम एलम रिएक्ट विद 0.72 ग्राम, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो आप इजीली बता सकते हैं, 0.72 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी या अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 0.45 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एल्केलिनिटी गिव्स 0.234 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेते हैं, 1 ग्राम एलम रिएक्ट करता है तो कितने ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी से, तो कितने ग्राम जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है, यानी 0.23 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बनाता है। तो ये आपका एलम हो गया जिसकी रिएक्शन है, एलम क्या काम कर रहा है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव इंड्यूस कर रहा है और साथ ही साथ एसिडिटी एंड कोरोजन को भी इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल डोज होती है वो वेरी करती है 10-30 ग्राम पर mg पर लीटर, यानी 10-30 मिलीग्राम पर लीटर होती है और एलम ऑल्सो रिमूव्स, एलम जो है आपका वो रिमूव करता है टेस्ट ऑर्डर एंड कलर फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इसको टेस्ट ऑर्डर और कलर को रिमूव करता है
और इट वर्क्स इन द पीएच रेंज, यानी ये 6.5 से 8.5 की पीएच रेंज में वर्क करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि एलम की पीएच रेंज क्या है। तो 1 मोल ऑफ एलम गिव्स 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल्सो टर्म्ड इट, यानी आपने इसमें देखा कि 1 मोल एलम जो है 2 मोल दे रहा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के, तो इसीलिए इसको 1:2 कोगुलेंट कहते हैं। तो आप कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एलम को जो है 1:2 कोगुलेंट भी बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो आता है आपका कोगुलेंट, दैट इज कॉपर एस। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, इट इज इफेक्टिवली कोगुलेंट व्हेन यूज्ड इन कॉन्जुगेशन विद लाइम। जब लाइम के साथ इसको कॉन्जुगेट करते हैं, इसको यूज करते हैं मिक्स करके, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोगुलेंट है। वर्क इफेक्टिवली इन हाई रेंज ऑफ पीएच, ये बहुत ज्यादा हाई पीएच रेंज में वर्क करता है आपका ओवरऑल कॉपर एस। तो अगर आप बात करते हैं कॉपर एस की, तो FeSO4.7H2O ये वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी एल्केलिनिटी से रिएक्ट करता है, तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका FeHCO3 होल ट्वाइस, और इसको फिर से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर देते हैं, फाइनली क्या बन जाएगा FeOH होल थ्राइस, यानी आयरन हाइड्रोक्साइड का जो है प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्लस कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 7 times ऑफ H2O। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो है क्या कर रहा है, ये आपका परमानेंट हार्डनेस को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस इसमें भी इंड्यूस हो रही है। ठीक है, तो कॉपर एस जो है आपका इसको यूज नहीं करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कलर्ड वाटर, यानी कलर्ड वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन खुद एक कलर इंड्यूस करता है, आपको पता है रेडिश कलर जो है ये इंड्यूस करता है, तो एज आयरन इट्सेल्फ इंड्यूस कलर इन वाटर, इसीलिए अगर आपको कलर्ड वाटर को ट्रीट करना है तो कभी भी आप कोगुलेंट कॉपर एस यूज नहीं करेंगे। इसकी जो डोज होती है सेम जैसे कि एलम की होती है 10-30 mg/L, लेकिन ये थोड़ा सस्ता होता है एलम से। ठीक है, बट इसको कलर्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते। अगर आप बात करते हैं ये जो पीएच है इसकी, तो ये पीएच रेंज जो है इसकी 8.5 एंड अबव, यानी कि 8.5 या उससे ज़्यादा की पीएच रेंज में वर्क करता है, उससे कम पीएच रेंज में वो कॉपर एस वर्क नहीं करता। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरीनेटेड कॉपर एस। तो क्लोरीनेटेड कॉपर एस क्या है, ये आपका कॉपर एस, यानी कॉपर एस में अगर आप क्लोरीन को ऐड कर दें तो आपका क्लोरीनेटेड कॉपर एस बन जाता है Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस FeCl3, यानी क्लोरीनेटेड कॉपर एस फॉर्म्ड बाय द ऐड ऑफ क्लोरीन इन कॉपर एस। अगर आप कॉपर एस में क्लोरीन ऐड कर देते हैं तो क्लोरीनेटेड कॉपर एस बन जाता है। तो अगर आप खाली FeCl3 की बात करें, नहीं व्हेन फेरिक क्लोराइड यूज करते हैं इंडिपेंडेंटली एज अ कोगुलेंट, खाली आप फेरिक क्लोराइड यूज कर रहे हैं, तो ये पीएच रेंज में वर्क करेगा 3.5-6.5 एंड अबव 8.5। ठीक है, व्हेन अगर आप फेरिक सल्फेट इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे हैं, अकेले खाली फेरिक सल्फेट का यूज कर रहे हैं, तो ये पीएच रेंज में वर्क करता है 4-7 की एंड अबव 9। तो इफेक्टिवली वर्किंग रेंज ऑफ क्लोरीनेटेड कॉपर एस की कितनी हो गई, 3.5 से 7 तक ये हो गई एंड अबव 8.5, यानी वाइड पीएच रेंज में वर्क कर रहा है। तो आपने देखा 3.5 से 7 तक एंड ग्रेटर देन ऑफ 8.5, यानी इतनी पीएच रेंज में ये वर्क करता है क्लोरीनेटेड कॉपर एस। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है आपका सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट क्या है आपका, इसका फॉर्मूला होता है Na2Al2O4। ठीक है, तो ये आपका लास्ट कोगुलेंट है। सोडियम एल्यूमिनेट क्या करता है, रिएक्ट करता है कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट इन वाटर टू फॉर्म स्टिकी प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनेट, यानी जो वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट है उनसे रिएक्ट कर लेता है और आप एक स्टिकी प्रेसिपिटेट बना देता है दैट कैरीज आउट द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटी फ्रॉम द वाटर, जो कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटी को रिमूव कर देती है। क्लियर है? तो फाइनली क्या करेगा ये, जैसे कि ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है Na2Al2O4, इसने कैल्शियम या मैग्नीशियम से रिएक्ट कर दिया। आप कैल्शियम मैग्नीशियम किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकती है आपकी, ठीक है, क्लोराइड की फॉर्म में हो सकती है, सल्फेट की फॉर्म में हो सकती है, या आपका नाइट्रेट की फॉर्म में भी हो सकती है, या आपका बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो इसने क्या किया, इनसे रिएक्ट कर दिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एल्यूमिनेट बना दिया। ठीक है, ये एक स्टिकी प्रेसिपिटेट बना दिया
और साथ ही साथ इसने रिमूव कर दिया यानी सोडियम का क्लोराइड बन गया, सोडियम के सल्फेट बन गए, या सोडियम का सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, या सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, या आपका सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा कि ये सोडियम के क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट है, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी परमानेंट हार्डनेस नहीं है, क्योंकि परमानेंट हार्डनेस सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और एल्यूमिनेट वगैरह की वजह से होती है। ठीक है, सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस इंड्यूस होती है। तो सोडियम एल्यूमिनेट ने क्या किया, जो भी परमानेंट हार्डनेस थी वो भी यानी हर टाइप की हार्डनेस को रिमूव कर दिया, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट। क्योंकि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, सोडियम। तो मल्टीवेलेंट कैटाइन के जो कार्बोनेट्स होते हैं या सल्फेट्स होते हैं उनकी वजह से हार्डनेस इंड्यूस होती है, बट यहाँ पे क्या है, Na+ यानी सिंपली जो है आपका सोडियम है, ये सिंगल वेलेंट कैटाइन है, तो इसकी वजह से सारी हार्डनेस इसमें रिमूव हो गई, कोई भी हार्डनेस यूज नहीं हुई। क्लियर है? तो देख लीजिए, दिस प्रोसेस रिमूव्स बोथ कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस फ्रॉम द वाटर, दोनों टाइप की हार्डनेस रिमूव कर दी। इट डज नॉट रिक्वायर एल्केलिनिटी टू बी प्रेजेंट इन वाटर टू कैरी आउट द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। आपने देखा कि इसको एल्केलिनिटी की जरूरत नहीं है रिमूव करने के लिए, इसने एल्केलिनिटी से रिएक्ट ना करके कैल्शियम मैग्नीशियम के कंपाउंड से रिएक्ट किया। जनरली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बॉयलर फीड वाटर जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट इज कॉस्टलियर देन कॉपर एस, ये कॉपर एस से थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसकी पीएच वर्किंग रेंज जो है वो 6 to 8.5 रहती है। ठीक है, अभी एक नोट देख लीजिए कि जो आयरन फ्लॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं एल्यूमिनियम फ्लॉक्स से। आयरन यानी कॉपर एस का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे आप एलम का यूज़ कर रहे हैं कोगुलेंट। तो अगर आप बात करते हैं कि डोज तो दोनों की सेम है, लेकिन फिर भी आयरन फ्लॉक्स हैवी होते हैं, और आयरन फ्लॉक्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं बहुत ज़्यादा फास्टर रेट से देन एल्यूमिनियम फ्लॉक्स से। लेकिन आयरन सॉल्ट्स जो हैं वर्क्स करते हैं आयरन फ्लॉक्स पीएच वाइड पीएच रेंज में एंड आर चीपर देन एलम। तो आपने देखा ये ग्रेटर देन 8.5 अगर रेंज है तब ये वर्क करता है, और चीपर होता है एलम से। क्लियर है? तो इनका कंपेयर देख सकते हैं आप। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई अगर आप बात करते हैं जनरली, तो वहाँ पर एलम को कोगुलेंट के रूप में यूज़ करेंगे, ना कि आयरन सॉल्ट्स को, क्योंकि जो आयरन सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ठीक है, यानी वाटर सप्लाई के लिए तो आप एलम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आयरन सॉल्ट्स को जनरली आप यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए, क्योंकि जो आयरन है वो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करता है, जो कि पिटिंग और ट्यूबरकुलेशन जो है पाइप में क्रिएट कर देता है। पिटिंग मतलब गड्ढा कर देगा, ओवरऑल जो भी कोरोड कर देगा उनको आयरन सरफेस को, और साथ ही साथ ट्यूबरकुलेशन मतलब उनकी जो है लेयर जमा कर देगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ आयरन सॉल्ट्स, इनके लिए बहुत ज़्यादा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इट्स क्वालिटी गेट्स डिटीरियोरेटेड विद स्टोरेज, यानी अगर ये स्टोर होके रखा है तो इसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाएगी, यानी कम होती जाएगी क्वालिटी, बेकार होती चली जाएगी। क्लियर है? अगर आप कंट्रोल करते हैं, सपोज कंपेयर कर रहे हैं अगर आप कि एलम की, आपने देखा चार कोगुलेंट्स यूज करें, एलम हो गया, कॉपर एज है, फिर क्लोरीनेटेड कॉपर एज आपने यूज किया, क्लोरीनेटेड कॉपर एस, या आपने सोडियम एल्यूमिनेट यूज़ किया। ठीक है, ये चार जो हैं आपके कोगुलेंट्स हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो आपने देखा कि ये एलम जो है ये क्या इंड्यूस कर रहा है, ये इंड्यूस करता है आपका परमानेंट हार्डनेस और एसिडिटी एंड कोरोजन। ठीक है, एसिडिटी या कोरोजन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो क्रिएट हो रहा है, तो ये इंड्यूस कर रहा है। कॉपर एस क्या इंड्यूस कर रहा है, ये कर रहा है परमानेंट हार्डनेस। और क्लोरीनेटेड कॉपर एस जो है इंड्यूस नहीं कर रहा, नॉट इंड्यूस, ये परमानेंट हार्डनेस। और सोडियम एल्यूमिनेट क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है टोटल हार्डनेस, यानी कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, परमानेंट और टेम्परेरी दोनों ही हार्डनेस को ये रिमूव कर रहा है। ठीक है, अगर आप इनकी पीएच देखें तो ये जो पीएच है ये 6.5 से 8.5 की पीएच रेंज में वर्क करता है। कॉपर एस जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 8.5 यानी 8.5 और अबव पीएच रेंज में वर्क कर रहा है। क्लोरीनेटेड कॉपर एस 3.5 से 7 एंड ग्रेटर देन 8.5 इस पीएच रेंज में क्लोरीनेटेड कॉपर एस वर्क करता है, और सोडियम एल्यूमिनेट 6 to 8.5 की पीएच रेंज में वर्क करता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये रिमूव कर रहा है टेस्ट, ओडर
एंड कलर, ठीक है, इनको रिमूव करता है। और ये जो है नॉट यूज फॉर, इसको आप कलर्ड वाटर के लिए यूज नहीं कर सकते, नॉट यूज फॉर ट्रीटिंग कलर्ड वाटर, यानी अगर आपको कलर्ड वाटर का ट्रीटमेंट करना है तो आप कॉपर एस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद में इंड्यूस करता है इट्स सेल्फ कलर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इनकी जो डोज होती है ये आपको पता है 10-30 mg/L आप यूज कर रहे हैं, सेम कॉपर एस की भी 10-30 mg/L यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इनकी डोज जो है कोई फिक्स नहीं है, और ये जो है कॉस्टलियर होता है आपका देन एलम। आपने देखा है ये जो है एलम से ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो ये कुछ कंपैरिजन है, इनकी वैल्यूज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर आपको वैल्यू ध्यान रहेगी तो आप ऑब्जेक्टिव में ईजिली क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप कोगुलेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपका नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज है वाटर में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उसको इंड्यूस करते हैं फास्ट मिक्सिंग के थ्रू वाटर में, जो कि विच कैन बी डन इन टू यूनिट्स, जो दो यूनिट्स में आप डन करते हैं। तो पहला जो होता है, पहली यूनिट जिसको कहते हैं मिक्सिंग बेसिन्स, मिक्सिंग बेसिन्स में जो है आप फास्ट मिक्सिंग कर सकते हैं, और दूसरा आपका कहलाता है मैकेनिकल मिक्सर, मैकेनिकल मिक्सर, ठीक है। तो जो मिक्सिंग बेसिन है ये दो टाइप्स की होती हैं, पहला जो है राउंड एंड एंड टाइप, राउंड एंड एंड टाइप, और दूसरा जो टाइप होता है ये होता है ओवर एंड अंडर टाइप, ओवर एंड अंडर टाइप, मतलब इस टाइप की मिक्सिंग बेसिन बनाते हैं जो एक राउंड एंड एंड टाइप है और दूसरी ओवर एंड अंडर टाइप। और जो मैकेनिकल मिक्सर्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल शेफ टाइप रहता है, हॉरिजॉन्टल शेफ टाइप, और दूसरा होता है वर्टिकल शाफ्ट टाइप, वर्टिकल शाफ्ट, इसमें वर्टिकल शाफ्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये दूसरे में फर्स्ट में हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। ये मैकेनिकली जो है आप इसमें मिक्सिंग करते हैं, और इसमें जो है मिक्सिंग बेसिन में नॉर्मली वाटर का फ्लो जो है मैनुअली हो रहा है। तो अगर आप देखते हैं मिक्सिंग बेसिन, तो ये अगर आपने मिक्सिंग का जो बेसिन है उसका अगर आप टॉप व्यू देखते हैं यानी प्लान देखते हैं, तो फाइनली आप देखेंगे कि जब आप टॉप से देखेंगे तो राउंड एंड एंड टाइप चलेगा, यानी इस टाइप की वॉल्स वगैरह बना देते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे जो भी वाटर का फ्लो हो रहा है वो इस टाइप से होगा। जैसे कि सपोज ये वॉल्स वगैरह इस टाइप की बना दी, तो अगर आप टॉप से देख रहे हैं तो फाइनली क्या होगा, पहले वाटर यहाँ आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा बॉटम में जाके फिर राउंड यानी इस शेप में इधर गया, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में गया, फिर इधर गया, यानी कि ये एक राउंड शेप में क्या करता है घूमता रहता है, यानी इस टाइप से मिक्सिंग होती रहती है आपस में वाटर में। तो मिक्सिंग जितनी होगी उतनी ही ज़्यादा कोगुलेंट के साथ न्यूट्रलाइजेशन होगा पार्टिकल्स का, तो ये आपका कहलाता है प्लान है ऑफ राउंड एंड एंड टाइप, ठीक है, यानी राउंड एंड एंड टाइप मिक्सिंग बेसिन का ये प्लान है। जब टॉप व्यू से देखेंगे तो इस टाइप से गोल गोल जो है राउंड में ये वाटर का फ्लो होता रहेगा। अब बात करते हैं ओवर एंड अंडर टाइप में, तो ओवर एंड अंडर टाइप में क्या होता है कि अगर आप देखते हैं इसका क्रॉस सेक्शन, यानी कि सामने से अगर आप देखते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका ओवर एंड अंडर टाइप। तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं सामने से, सपोज ये हो गया इस टाइप की वॉल्स बनी है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ओवर एंड अंडर में क्या होगा, पहले वाटर फिर नीचे गया, फिर वाटर ये अपवर्ड डायरेक्शन में गया, फिर ये वाटर डाउनवर्ड गया, फिर यहाँ से आके अपवर्ड गया, फिर इस टाइप से निकल गया। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइप का रहेगा कि ओवर ऊपर नीचे, ठीक है, सामने से जब आप देखेंगे वाटर पहले इधर आया फिर डाउनवर्ड गया फिर इधर गया, और ये ऊपर से प्लान में देख रहे हैं तो ये राउंड शेप में घूम रहा है वाटर। तो ये मिक्सिंग बेसिन है कुछ इस टाइप की। नेक्स्ट जो आता है इसमें अगर आप बात करते हैं, अब नेक्स्ट जो अगर आप बात करते हैं मैकेनिकल मिक्सर की, यानी कि नेक्स्ट टाइप हो गया मैकेनिकल मिक्सर्स, इसमें जो है मैकेनिकली आप मिक्सिंग करते हैं, तो ये दो टाइप के हो गए, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट और वर्टिकल शाफ्ट। तो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट कुछ इस टाइप की होती है, एक हॉरिजॉन्टल जो है शाफ्ट को आप प्रोवाइड करते हैं मिक्सिंग के लिए वाटर की, तो सपोज यानी हॉरिजॉन्टली जो है ये रोटेट करता है कुछ इस टाइप का है, जैसे ये शाफ्ट है, ठीक है, ये जो आपकी जो शाफ्ट है इनका जो रोटेशन होगा ये हॉरिजॉन्टली होगा। तो यानी ये सपोज n राउंड पर मिनट से जो है घूम रही है आरपीएम से, तो ये आपका कहलाता है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टाइप।
हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, ठीक है, मैकेनिकल मिक्सर। और दूसरा अगर आप बात करते हैं जो वर्टिकल शाफ्ट मैकेनिकल मिक्सर होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी सपोज ये शाफ्ट है, ठीक है, ये जो है वर्टिकली यहाँ से इस टाइप से अटैच होती है, तो ये वर्टिकली रोटेट कर रही है, तो ये आपका कहलाता है वर्टिकल शाफ्ट मैकेनिकल मिक्सर। तो जनरली ये टाइप्स हैं इनके। तो अगर आप इसमें बात करते हैं तो इनको डिपेंड करने के लिए इनकी इंटेंसिटी जो है डिपेंड करती है, एक टर्म आता है जिसको कहते हैं जी, इसको कहते हैं टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। तो इसकी हेल्प से जो है आप फाइंड करते हैं ओवरऑल मिक्सिंग। तो फाइनली आपने देखा जी टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसको ये सिग्निफाई करता है कि ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी को बताता है बिटवीन टू पार्टिकल्स, यानी दो पार्टिकल्स के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है। तो इसकी जो वैल्यू होती है जी इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन एक्स, इसकी जो यूनिट होती है वो पर सेकेंड में होती है। तो जो भी मिक्सिंग की इंटेंसिटी है वो किस पर, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। जी इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन एक्स। सपोज एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v1 है और दूसरा पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी v2 है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 अपॉन एक्स पर सेकेंड, ठीक है। तो जहाँ पर जी इक्वल टू जी का, तो अगर मैथमेटिकली आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जी इक्वल टू होता है फॉर्मूला रूट पी अपॉन म्यू ऑफ वी, म्यू इंटू वी, ठीक है। तो इसकी भी यूनिट जो है पर सेकेंड में रहती है, जहाँ पी क्या है पावर सप्लाई है शाफ्ट की वॉट में, और म्यू क्या है ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी वाटर की है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड में, ठीक है, जहाँ वी क्या है वॉल्यूम है कोगुलेशन टैंक का मीटर क्यूब में। तो जो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू नॉर्मली कोगुलेशन में 300 पर सेकेंड लेते हैं कोगुलेशन टैंक में, और जो डिटेंशन टाइम होता है कोगुलेशन का नॉर्मली वेरी करता है 30 to 60 seconds। इसमें जो पावर है सर्कुलर और स्क्वायर टैंक आर एडॉप्टेड, यानी कि यहाँ पर डीप है, यानी डीप सर्कुलर DEEP डीप सर्कुलर स्क्वायर टैंक अडॉप्ट करते हैं जिसका डेप्थ टू विड्थ रेशियो जो है 1:1 to 3:1 रहता है, यानी डेप्थ सपोज h है और विड्थ जो है b है, तो इसका जो रेशियो रहेगा वो 1:1 to 3:1 तक रहता है, ठीक है। और इसमें जो पावर सप्लाई करते हैं शाफ्ट में, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 to 3 watts पर यूनिट डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर आर, यानी पर यूनिट डिस्चार्ज में होती है, क्लियर है। तो 1 to 3 watts पर यूनिट डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर आर में पावर की वैल्यू होती है। स्पीड जो है शाफ्ट की शुड बी सच दैट वेलोसिटी जनरेटेड एट द टिप ऑफ पैडल इज मोर देन 3 meters per second, यानी जो स्पीड होती है शाफ्ट की वो इस टाइप की होती है कि जो पैडल का टिप है, जैसे कि ये शाफ्ट है, ठीक है, इसमें ये पैडल्स लगे हुए हैं, ये सेंटर है, तो ये पैडल का जो ये टिप है, ये पॉइंट, यहाँ पर जो स्पीड है, तो ये स्पीड जो है इसकी वैल्यू 3 meters per second से ज़्यादा रहनी चाहिए। तो अगर आप बात करते हैं नॉर्मली, सपोज ये जो है शाफ्ट है एक, ठीक है, ये इसके पैडल्स हैं और ये जो है सेंटर है, तो यहाँ पर रोटेशन हो रहा है सपोज n स्पीड से, तो ये जो पैडल है इसकी विड्थ सपोज ये b है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है टिप की सपोज इसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, 3 meters per second से ज़्यादा। तो सपोज सेंटर से अगर आप बात करते हैं तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस, सपोज सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस r है, और यहाँ से ओवरऑल डिस्टेंस जो है सपोज ये r डैश है, तो जो टिप वेलोसिटी होती है इक्वल टू होती है ओमेगा ऑफ r डैश, ठीक है, जहाँ r डैश क्या हो गया r प्लस ये डिस्टेंस हाफ, यानी b/2। तो जनरली जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2πn/60। तो फाइनली जो vt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πn/60 इंटू आर प्लस b/2। तो यहाँ से जो है आप vt की वैल्यू यानी टिप वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है फ्लॉकुलेशन।
फ्लॉकुलेशन मतलब होता है स्लो मिक्सिंग। अब जो पार्टिकल आपने न्यूट्रलाइज करे हुए हैं कोगुलेशन में, वो आपस में पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, बड़े बड़े फ्लॉक्स बन जाएंगे बड़े साइज के, जिनको सेडिमेंटेशन करना ईजी हो जाएगा। ये वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रलाइज पार्टिकल जो है आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यानी आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, सो एज टू प्रमोट देयर एंग्लोमेरेशन, जिसकी वजह से वो आपस में एंग्लोमेरेट यानी इकट्ठे हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इंक्रीज साइज फ्लॉक्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी फ्लॉक्स है उनका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट कैन बी इजिली रिमूव इन द फॉलोइंग सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जिनको फॉलोइंग सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, टू ब्रिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन न्यूट्रलाइज पार्टिकल, स्लो मिक्सिंग इट इज इंड्यूस्ड, यानी कि उनको आपस में लाने के लिए स्लो मिक्सिंग इंड्यूस करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आप स्लो मिक्सिंग करेंगे तो इसलिए वो ज़्यादा बड़े साइज में आ जाएंगे, यानी आपस में कॉन्टैक्ट में आने में उनको आराम से टाइम मिल जाएगा। तो जो फ्लॉकुलेशन का रेट है वो डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पे, जैसे टर्बिडिटी, यानी अगर वाटर जितना ज़्यादा टर्बिड होगा तो उतना ही ज़्यादा फ्लॉकुलेशन का रेट होगा, क्योंकि उसमें मिक्सिंग उतनी ही स्लो होगी और पार्टिकल्स ईजिली पास पास आ जाएंगे। अगर टाइप एंड डोज ऑफ कोगुलेंट पे, यानी अगर आप ऑप्टिमम डोज की बात करें तो फ्लॉकुलेशन क्या होगा उस टाइम मैक्सिमम होगा। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी जी पे, एट ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ जी फ्लॉकुलेशन विल बी मैक्सिमम। तो जो ऑप्टिमम रेंज होती है जी की फ्लॉकुलेशन के लिए वो 10 to 75 पर सेकेंड होती है, ठीक है। और वही आप कोगुलेशन में देख रहे थे तो कितनी थी, 300 पर सेकेंड। तो ये कोगुलेशन में जी की वैल्यू है, यहाँ पर जो है 10 to 75 पर सेकेंड आप कंसिडर करते हैं। अब पैरामीटर जी इंटू टी डी सिग्निफाइज दी अपॉर्चुनिटी ऑफ जी इंटू टी डी, यानी टेम्पोरल वेलोसिटी ग्रेडियंट और ये डिटेंशन टाइम, इनका मल्टीप्लीकेशन सिग्निफाई करता है कि कॉन्जुगेशन अपॉर्चुनिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स के बीच में कितना वो कॉन्जुगेशन यानी आपस में आने की अपॉर्चुनिटी कितनी है। ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ कोलिजन दैट मे टेक्स प्लेस बिटवीन द न्यूट्रलाइज पार्टिकल, यानी उनके बीच में कितना कोलिजन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर मैं ये कहूँ कि g की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, g इक्वल टू क्या होता है, v1 - v2 upon x, ठीक है। यानी कि g की वैल्यू जितनी ज़्यादा है इसका मतलब है दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस उतनी कम है, तो जब कम होगी तो उनमें डिटेंशन टाइम क्या होगा, उतना ही कम लगेगा पास में। तो जब पास पास होंगे दो पार्टिकल तभी g की वैल्यू कम होगी, क्योंकि x की वैल्यू कम है और g की वैल्यू तभी ज़्यादा होगी। तो इस टाइप के जो फ्लॉक्स बनते हैं वो बनते हैं स्मॉल डेंस फ्लॉक्स, यानी अगर डिटेंशन टाइम कम है और जी की वैल्यू ज़्यादा है तो जो फ्लॉक्स बनते हैं वो स्मॉल डेंस फ्लॉक्स बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, अगर जी की वैल्यू आपकी कम है और डिटेंशन टाइम जो है वो ज़्यादा है, यानी जी कम है और आपस में जो डिटेंशन टाइम है उनका वो ज़्यादा है, तो यानी कि फाइनली क्या जी की वैल्यू कम होगी, जब यानी दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी और डिटेंशन टाइम आराम से ज़्यादा दिया गया है, तो फाइनली क्या होगा, जो फ्लॉक्स बनेंगे वो बड़े बड़े बनेंगे, दूर दूर होंगे और लाइट फ्लॉक्स जो हैं वो बनेंगे, लार्ज लाइट फ्लॉक्स बनेंगे, क्लियर है। तो सपोज़ अगर मैं ये कहूँ कि ये सपोज़ मिक्सिंग बेसिन थी, ठीक है, इसमें इनिशियली जो है शाफ्ट सपोज़ ये लगी है, इंड्यूस कर रही है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो फ्लॉक्स बनेंगे, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू ज़्यादा है और टाइम जो है सपोज़ टाइम की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लॉक्स बनेंगे क्या होगा, इस केस में स्मॉल डेंस फ्लॉक्स बनेंगे, तो आप देखोगे कि ये पास पास फ्लॉक्स आ जाएंगे, तो ये हमेशा जो है इनिशियली इंड्यूस होते हैं, जैसे टैंक में इंड्यूस पाइस पास में आएंगे तो टाइम उतना कम होगा और जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उस केस में फ्लॉक्स जो है स्मॉल डेंस बनते हैं। वही अगर थोड़ी डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो मिक्सिंग हो रही है इसकी वजह से यहाँ पर जो है जी की वैल्यू कम है और टाइम जो है डिटेंशन टाइम में बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में क्या है, ज़्यादा टाइम हो गया। तो जब टाइम ज़्यादा है और जी की वैल्यू कम है तो फाइनली क्या होगा, यहाँ पर जो फ्लॉक्स बनते हैं वो लार्ज लाइट फ्लॉक्स बन जाते हैं, ठीक है, लार्ज लाइट फ्लॉक्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। तो अगर आप ये कहें कि स्मॉल डेंस फ्लॉक्स को लार्ज लाइट फ्लॉक्स के साथ कंबाइन कर दें, जैसे ये लार्ज लाइट फ्लॉक्स हैं इनके साथ स्मॉल डेंस फ्लॉक्स अगर जुड़ जाएँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे लार्ज डेंस फ्लॉक्स, ठीक है। देख लीजिए, जो लार्ज डेंस फ्लॉक्स जो बनते हैं ये कैन बी इजिली रिमूव्ड, जो सेडिमेंटेशन टैंक में आप इजिली रिमूव कर सकते हैं,
हैंस इट एडवांटेजियस टू वेरी द वैल्यू ऑफ जी अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ फ्लॉकुलेशन टाइम। इसीलिए ये एडवांटेज है कि आप जी की वैल्यू को वेरी करा दें अलॉन्ग द लेंथ, यानी फ्लॉकुलेशन टाइम के लेंथ के अलॉन्ग। तो स्मॉल डेंस फ्लॉक्स जो थे इनिशियल सेक्शन में फॉर्म हो रहे थे फ्लॉकुलेशन टैंक के, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा जो भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में पास पास हैं, जिसकी वजह से जी की वैल्यू बढ़ गई। और यहाँ पे जस्ट आपने एंटर ही किया था यहाँ पे फ्लॉकुलेशन टैंक में वाटर, तो डिटेंशन टाइम इनका क्या था, बहुत कम था, जिसकी वजह से स्मॉल डेंस फ्लॉक्स फॉर्म हो गए। तो ये अगर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेंस फ्लॉक्स, ये क्या करते हैं, लार्ज डेंस फ्लॉक्स के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट कैन बी इजिली सेटल्ड इन द फॉलोइंग सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये धीरे धीरे अगर इनसे आपस में अटैच हो जाते हैं तो फाइनली क्या होगा, ये लार्ज डेंस फ्लॉक्स बन जाएंगे जिनको आप सेडिमेंटेशन टैंक में इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू ज़्यादा है और डिटेंशन टाइम कम है तो लार्ज डेंस स्मॉल डेंस फ्लॉक्स बनते हैं, और अगर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू कम है और डिटेंशन टाइम ज़्यादा है तो लार्ज लाइट फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं। अब देख लीजिए जी की कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि जी इनलेट पे जस्ट जैसे ही एंटर किया तो उसकी वैल्यू जस्ट नॉर्मली कैप टू बी ट्वाइस ऑफ जी एट आउटलेट होती है, यानी जी एट इनलेट इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ जी एट आउटलेट। ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू इनलेट पे ज़्यादा है आउटलेट पे कम है, तो लगभग इसकी वैल्यू डबल रहती है। और जो डेप्थ है टैंक की वो विद इन द रेंज ऑफ 3 to 3.5 meters होती है, और डिटेंशन टाइम 10 to 30 minutes रहता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जो फ्लो की वेलोसिटी है वो 0.2 to 0.8 meters per second है। एरिया ऑफ पैडल्स जो है वो 10 to 25% होते हैं ऑफ द एरिया ऑफ टैंक, यानी कि पूरे टैंक के एरिया के 10 to 25% जो है वो पैडल्स का एरिया होता है। जैसे ये पैडल्स जो है प्रोवाइड करते हैं, इनका एरिया 10 to 25% रहता है। और जी इंटू टी डी, इन दोनों की जो कम्बाइंड वैल्यू है मल्टीप्लीकेशन की वो 20,000 to 10,000 होती है फॉर एलम के लिए, और 1 to 1.5 lakhs होती है फॉर आयरन। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं एसएससी जेई में। अब आपको कैलकुलेशन करनी है जी की। जी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता है ये शाफ्ट है, ये पेडल्स लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रोटेशन हो रहा है एन स्पीड से, तो यहाँ से इसकी वैल्यू सेंटर तक की कितनी है, आर, और ये इसकी विड्थ जो है बी है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये तो टिप वेलोसिटी हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सेंटर में ये पेडल वेलोसिटी हो गई, तो एक ड्रैग फोर्स एक्ट करता है, जो पावर होती है पावर इक्वल टू होता है ड्रैग फोर्स इनटू रिलेटिव वेलोसिटी वीआर, ठीक है। और जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो होती है बीपी माइनस वीडब्ल्यू, यानी कि यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वाटर का वो आपका वीडब्ल्यू होगा, यानी वाटर का फ्लो। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो वीपी माइनस वीडब्ल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर जो ड्रैग फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ रो सीडी एरिया ऑफ टिप इनटू रो डब्ल्यू वी आर स्क्वायर। तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी हाफ रो सी डी ए टी रो डब्ल्यू इंटू वी आर क्यूब। तो यहाँ से पावर निकाल ली, जी इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला रूट ऑफ पी अपॉन म्यू इंटू वी। तो यहाँ पे फाइनली आप अगर आप देखें पावर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, हाफ रो सी डी ए टी रो डब्ल्यू इंटू वी आर क्यूब डिवाइडेड बाई म्यू इंटू वी, ठीक है। ये वॉल्यूम है टैंक का, यानी फ्लॉकुलेशन टैंक है तो उसका वॉल्यूम होगा। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ की हेल्प से जो है आप जी की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन देखते हैं तो कंपैरिजन देख लीजिए, डिजाइन ऑफ कोगुलेशन डेटा, यानी डिजाइन डेटा जो है कोगुलेशन टैंक का और फ्लॉकुलेशन टैंक की, अगर आपको डिजाइन करनी है तो क्या क्या कंपैरिजन है कोगुलेशन, और यहाँ पे सपोज ये आप बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लॉकुलेशन टैंक की, ठीक है। तो कोगुलेशन में सबसे पहले तो जो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होती है 300 per second, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है 10 to 75 per second। ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए ये जो पैरामीटर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेंशन टाइम इसमें 30 to 60 seconds रहता है, और फ्लॉकुलेशन में जो डिटेंशन टाइम है वो 10 to 30 minutes रहता है, क्योंकि इसमें स्लो मिक्सिंग इंड्यूस करते हैं। वही अगर आप पावर की बात करें तो यहाँ पे जो पावर रहती है वो 1 to 3 watts per unit डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज की वैल्यू किस में होगी, इन मीटर क्यूब पर आर में, ठीक है। मीटर क्यूब पर सेकेंड में ना होके मीटर क्यूब पर आर में होगी। तो ये 1 to 3 watts रहती है, यहाँ पर कोई डिस्चार्ज की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं टिप वेलोसिटी ग्रेटर देन 3 meters per second रहनी चाहिए, और जो एच बाई विड्थ यानी हाइट अपॉन विड्थ का जो रेशियो होता है वो 1.1 to 3:1
3:1:1 से 3:1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जनरली जो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू पी अपॉन म्यू इंटू बी। वही अगर आप फ्लॉकुलेशन में बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो की बात होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना होता है 0.2 to 0.8 मीटर पर सेकेंड, और जी इंटू टी डी की जो वैल्यू होती है वो 30,000 से 60,000 रहती है पर एनम, ठीक है नॉर्मली, एंड 1.1 to 1.5 लाख जो रहती है फॉर आयरन सॉल्ट्स के लिए, यानी आयरन सॉल्ट्स के लिए स्पेशली 1 से 1.5 लाख रहती है, और जनरली जो है वो 30,000 से 60,000 आप कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे जो हाइट लेते हैं टैंकी, दैट इज 3 to 3.5 meter डेप्थ ऑफ टैंक, यानी जो डेप्थ है टैंक की वो आपकी 3 to 3.5 meter कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, और कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो हैं इसमें रेयरली पूछे जाते हैं आपके में, नॉर्मली जो है सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह की डिज़ाइन पूछ लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।